और यहाँ पे लोग आपको बहुत मिलेंगे, कहेंगे कि आप मालिश करा लीजिए, वो करा लीजिए, बट मेरा पर्सनल सजेशन है जितना आप मालिश कराओगे, आप घर पे जाकर जो गर्म पानी नमक डाल के अपने आप को लाना चाहते हो करा लो, मगर अलग से नहीं। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे प्रसाद लेने मार्केट में। देखो प्रसाद क्या लेते हैं, ऐसे तो ये 10-10 रुपए के पैकेट भी हैं, छोटे छोटे फोटो लगी हुई हैं। और अखरोट वगैरह ये सारा देखिए, आम पापड़ ये मुझे अच्छे लगते हैं, क्या कहते हैं इसे, पता नहीं क्या कहते हैं, भूल गई, अच्छे लगते हैं। मगर माता रानी की फोटो हर साइज की है, कितने ग्राम आता है इस तरीके से, ये है मैक्सिमम 160 कंगन है, 160 यहाँ पे ये अखरोट है, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। और शिवी अपने एरिया में पहुंच गई है जहाँ पे उसको जो चीज चाहिए होगी तो वो वहाँ पे पहुंच गई है। तो ये 10-10 रुपए वाले पैकेट हैं, हम ये पैकेट ले रहे हैं 15। आम पापड़, आम पापड़, आम पापड़ एक पैकेट आम पापड़ लगा लो। ये खड़े भैया, मीठा मीठा वो कागजी है, कागजी है भैया, बस वो अनवॉश द प्रोटोकॉल है, तो उसकी वॉशिंग होती है, लेकिन ये टूटा है, इसकी वॉशिंग होती है। उसमें अंदर में बेसिकली अंदर होना चाहिए, अंदर होगा बट इसकी जो गिरी है वो इतनी सही नहीं होगी, सही नहीं होगी। तो ये कितने के है? ये 400 रुपीज के जी, कितने की है? 300 की, ये 60 का, एक कागजी होता है, मतलब टूट जाएंगे, टूट आसानी से जाएंगे, सेम ये टूट आसानी से आएंगे और वो टूट जाएंगे, ये भी ऐसे ही है, सेम है, बस इसी का साइज छोटा है, साइज छोटा है। अरे ये तो आपने हाथ से ही तोड़ दिया, हम तो दांत से भी नहीं तोड़ पाते। तो यही ले लेते हैं 300 वाला, ठीक है, देखिए देखिए ये 1 किलो। जय माता दी बेटा। तो ये हमने माता रानी की तस्वीर ली है ताकि इसको हम अपने जो भी नया नया घर बनाए वहाँ पे लगा देंगे, और पीछे से शिवी के लिए कुछ ले लेते हैं। शिवी यहाँ से बिंदी लगा रही है चोरी चोरी करके, देखो एक बिंदी उससे लगा ली है, दूसरी से निकाली है, भैया ने बाहर रखा है बिंदी यहाँ पे, भैया बहुत मारेंगे, भैया देखो ये आपके शॉप से क्या कर रही है, आप इसे डांटो तभी ये मानेंगे, भैया बेचारे बिजी है। और लड्डू के लिए वो ले लो, लड्डू के लिए एक कंगन ले लो, बिंदी लगा, ये बिंदी मम्मा ने कल बिंदी नहीं लगाई क्योंकि मम्मा के पास बिंदी खत्म हो गई थी, आज मेरी बेटी ने बिंदी लगाई, और ये अखरोट काफी अच्छे हैं, बट भैया ने हाथ से तोड़ दिया, मैं तो अभी भी हाथ से तोड़ रही हूँ, होता है शक्ति, तुम तोड़ लोगे हाथ से, मुंह से तोड़ देता हूं। विक्रम जी दिखाएंगे अपना, बहुत छोटा है, अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं, अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं, पकड़ भी गया। शिवी बहुत गलत बात है, शिवी देखो चोरी कर रही है बिंदी लगा लगा के, बहुत दम लगानी पड़ी मेरे पति से, बहुत छोटा है ना, क्या फायदा, पराठे खाकर आया फिर भी तुम एक अखरोट नहीं तोड़ नहीं लगाई बेटा बिंदी, सब पूरा घर बिंदी लगा घूमे, अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लो अब नहीं लगा ली, दूसरी चीज लो, ये ले लो, ये रख दो उसमें, भैया मारेंगे यार, पूरा फिर बिंदी लगा घूमेगा, अच्छा लगेगा रोड पे। शिविक ली ये वाला ले, ये वाले तो मगर छोटे हाई उसमें, और ये ओपन हो जाते तो ये भी हो सकता है मैनेजेबल है। शिवी कौन सा लेना, शिवी इधर देखो, इधर बताओ कौन सा लेना है, यहाँ पे बताओ कौन सा लेना है कंगन, कौन सा लेना है,
हाँ कौन सा लेना है? ये वाला हाथ में पहन रखा, ये सही है? जय माता दी, बिंदी लगा के जय माता दी हो रही है, देखते हैं। और सिंदूर एक ले लेती हूँ, सिंदूर यहाँ से लोग ले जाते हैं, मैं भी ले जाऊंगी। बड़ा लेना आपको तो भाई बेटी का पड़ेगा, छोटे वाला तो इसमें छोटे बच्चे का नहीं मिल रहा है, तो साइज सोचे ये ले लेते हैं। विक्रम ये ले ले लड्डू के लिए, है ना? लॉकेट ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है। लॉकेट से घर में जितने बच्चे सबके लिए ले लेते हैं। उसके हमने 6 धागे ले लिए हैं करके, छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि तो कंगन के साइज ही नहीं मिल रहे। 6-7 साल 8 साल के भी बच्चे हैं, उनकी साइज नहीं है। तो चलो बिलिंग करा लेते हैं। और 30 की ये वाली माला, हाँ 10 का सिंदूर, 300 का ग्रो, ठीक है। तो टोटल 950 हो गया, क्योंकि ये फोटो भी हमने ली थी, इसका एड नहीं लगाया था। ये पूरा अपना सामान हो गया हमारा प्रसाद का, 1000 रुपीज में काफी कुछ अच्छा आ गया सामान। सबसे ज्यादा तो शिवी मजे कर रही है, बिंदी फ्री में ले ली भैया ने, का कोई नहीं। नो शिवी आप इसको रख दो, भैया ने आपको 1 बिंदी दी है ना, और एक मम्मा को लगा दी इसने। हाँ चले ठीक है, 1000 रुपये में इतना सारा सब कुछ आ गया, बढ़िया। पेटीएम कर दिया ना, तो आप लोग पेटीएम भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट मोड है यहाँ पे फैसिलिटी। और चलते हैं, और शिवी बस हो गई, वो डैडी को लगा के रहेगी। अरे मैं नहीं लगाऊंगा बेटा, मुझे क्यों लगवा रहे तुम? डैडी को हिंदी, जय माता दी। तो सब लोग बिंदी लगा के चलो, चलो चलो। एक मैं ले लेती पैकेट, और आप ये लेकर शिवी का भैया को, शिवी इधर आओ, शिवी इधर आओ रूम से। और अब मैं होटल की थोड़ी बात करती हूँ, तो होटल अच्छा है, फैसिलिटी पिक एंड ड्रॉप बाणगंगा तक की है, और थोड़ा सा आप बोलो तो सर्विस थोड़ी डिले है। लाइक जैसे हम फर्स्ट डे गए थे रूम में, हमने कॉफी और वो फ्रेंच फ्राइज मंगवाया था, कप प्लेट रखी थी, हमने इनको बोला भी था कि वो हटवा लीजिएगा, बट नेक्स्ट डे हम आए तो नहीं था, बेडशीट नहीं चेंज थी, ऐसा नहीं था। वो बोलने के बाद हो सकता माइंड से निकल गया और सर्विस देते हैं, बट हमें जो दिखा हम उसके हिसाब से बोल रहे हैं। और बाकी सर्विस होटल की ओके ओके है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, मैं एवरेज बोलूंगी। होटल की लोकेशन अगर देखा जाए तो लोकेशन ठीक है ना, आसपास, हाँ लोकेशन ठीक है, क्योंकि आसपास आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, आसपास आपको डोमिनोज मिल जाएगा, अगर आपको किसी रेस्टोरेंट या डोमिनोज, सागर रत्न ढाबा भी है आपकी रिक्वायरमेंट है ढाबा, क्योंकि यहाँ के हमें थोड़े से अनहाइजीनिक लगे, थोड़े से क्लीन नहीं लगे। मोस्टली मैंने देखे सागर रत्न के अलावा जितने भी रेस्टोरेंट में अभी तक मैंने विजिट किया है, वो सारे अनहाइजीनिक ही लगे। हाँ हमें अनहाइजीनिक लगे सबसे पहली बात, तो 7 से 8 बार आ चुके हैं लगातार। हाँ इवन हम सागर रत्न से पहले, कल हम वहां पे जाने वाले थे, नहीं डीलक्स मोती महल से पहले हम वहां एक जगह और घुसे थे, एंटर किया था हमने, कहाँ पे कोई और था वो नाम, फूड हाँ पंजाबी ढाबा कुछ करके था वहां पे, तो भैया क्या बोलो। हम लोग हो गए हैं रेडी, मैं सॉक्स पहन लेती हूँ, शूज पहन लेती हूँ, शिवी को भी रेडी, वही जो हमने मॉर्निंग में ही पहन रखा था ब्रेकफास्ट लिए जाने के लिए। और तो सारा सामान पैक हो गया है, वहां शिवी पता नहीं क्या कर रही है, शिवी ने तो यहाँ पे ऑर्डर कर करके परेशान कर दिया, 12 बजने वाले। चलो और चश्मा वगैरह ना लगा के जाइए ऊपर, विक्रम नहीं लगा कर गए थे क्योंकि बंदर चश्मा ले जाएगा, वैसे रात में बंदर नहीं होते हैं। और भैरव बाबा में मैंने शूटिंग इसलिए कम की थी क्योंकि वहां पे क्राउड तो था ही, जो था वहां पे लंगूर बड़े वाले होते हैं, और वो मौके पे वैसे उनको फोन से कोई मतलब नहीं होता, बट जब तक आप उनको कुछ खाने को नहीं दोगे वो आपका फोन नहीं देंगे, और देंगे तो इस हालत में देंगे कि आप यूज नहीं। कौन से ट्रेन में जाएंगे हम, ट्रेन का नाम क्या है? वंदे भारत में जाएगी शिवी, तो यहाँ पे ये रहा प्रसाद। हमने सोचा कि पहले हम अपने ब्लैक वाले बैग में ट्रांसफर कर लें, बट प्रसाद काफी ज्यादा है, और साथ में फोटो, क्योंकि यहाँ पे आफ्टरनून में दिन में बहुत गर्मी होती है, मतलब बहुत ज्यादा। भी जब आप वैक्सीन भी अपने पैरों से चलते रहेंगे ना, तो हालत खराब, घूमने के लायक रहते नहीं है, एक या दो दिन एटलीस्ट हमारे, हम दोनों मियां बीवी के पीछे जो दर्द होता है, पीछे का हिस्सा पूरा। समझो आप अगर एक्सरसाइज करते हो और एक्सरसाइज आपने कुछ दिन नहीं भी की है, ओके बॉडी बड़ी ढीली हो जाती है ना, एक बार आप ट्रैकिंग करके आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, नीचे आते एकदम बॉडी आपकी एकदम पूरे हाथ पे सब टाइट हो जाएगा, टाइट हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज। ये बात तो
चलो मैं हल्की सी वैसलीन या लिपस्टिक लगा लेती हूँ, बहुत सूख। तो मैंने भी मैंने वैसलीन लगाई और विक्रम को नहीं, मैंने खुद की लगा ली वैसलीन के डिब्बा लेकर चल रही थी। ये पता नहीं शोल्डर क्यों दर्द हो रहा है, हम चले पैर से थे दर्द शोल्डर भी हो रहा है ऐसा क्यों? मैंने बैग टांग रखा था पर ज्यादा टाइम से नहीं टांगा था, फिर भी मेरे शोल्डर बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है। शिवी वहां से कोई जा रहा है तो इसलिए उनको बाय करो, बाय कर। वाओ डैडी मूवी देख रहे हैं, तो हम लोग आ गए हैं स्टेशन में। यहाँ से देखिए क्या व्यू है, दिस इज सो गुड। तो विक्रम शिवी और ये रहा माँ वैष्णो कटरा का रेलवे स्टेशन। तो वंदे भारत आ चुकी है, इस साइड से थोड़ा सा क्राउड कम है तो उधर से जा रहे हैं हम लोग। और शिवी इधर से, शिवी इधर से, हाँ वेरी नाइस। तो पीछे ट्रेन हमारा वेट कर रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है होटल से, यहाँ तक कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा था कि ले लेंगे एक होटल ले लेंगे। और यहाँ पे स्टेशन पे चाय कॉफी पानी जो मेन प्लेटफॉर्म है एक्चुअल में वहाँ नहीं, स्टेशन पर है बट प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो अब तो अंदर जाएंगे ट्रेन में, क्योंकि कह रहे हैं जाता हूँ स्टेशन से वहाँ से ले आता हूँ, मैं मना कर रही हूँ क्योंकि 10-15 मिनट बाकी है, ट्रेन अभी बंद कर रखी है, एक घंटे पहले जाती है, 2 बजे ट्रेन आ जाती है, यहाँ से 3 बजे निकलती है और एक घंटे में आधा घंटा ये आई थिंक क्लीनिंग वगैरह करते हैं, अपना कैटरिंग का जो सामान ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद गेट खोलते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। शिवी आप कहाँ जा रही है? वंदे भारत जा रही है, बोलो वंदे भारत से कहाँ जा रहे हो आप? तो शिवी बहुत बैठो बैठो बैठो, बहुत एक्साइटेड है, कह रही मुझे बैठा दो। तो यहाँ पर देखिए दोनों की शैतानी प्लेटफॉर्म पे रेसिंग हो रही है और बस गाड़ी अब हमारी निकल चुकी है वापस के लिए। रिटर्न की बस हमने 3 सीट करा ली थी, शिवी के लिए अलग से कराई थी, हमें पता था कि हम बैठा के नहीं ला पाएंगे शिवी को, मगर आते वक्त भी हमें लकली 1 सीट एक्स्ट्रा मिल गई थी, पता नहीं कैसे खाली थी तो वो सोते हुए आराम से आई थी और अभी रिटर्न जो है आराम से। तो यहाँ पे आ गया है इवनिंग स्नैक्स जिसमें पॉपकॉर्न है, कचौड़ी है, सैंडविच है, चाय आई थी बाद में और साथ में ये जूस वगैरह है। तो लास्ट में हमने बस फॉर्मेलिटीज के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ खाया, नहीं तो नहीं खाया। डिनर भी आ गया था और अगर देखा जाए तो वंदे भारत के खाने की टेस्ट की बात किया जाए तो ओके ओके है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी वैसा नहीं होता बट हाँ खाने लायक खाना रहता है। याद रिटर्न के वक्त दाल काफ़ी अच्छी बनी थी, पंजाब वो जलंधर से चढ़ा था ना तो काफ़ी अच्छी दाल स्पाइसी सी बनी थी। और बस हम आ गए हैं अपने घर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।